जब मैं माइटोसिस से रिलेटेड फेजेस के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि भाई टोटल एम फेज जो है, टोटल मल्टीप्लिकेशन फेज, अगर माइटोसिस हो रहा है तो उसमें दो मेजर फेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैरियो जो हम है इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया कि कैरियो जो है भैया ये वर्ड आया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन जो रहेगा वो होगा कैरियोकाइनेसिस, और रिमेनिंग जो सेल का पार्ट है यानी साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो रहेगा वो होगा साइटोकाइनेसिस के अंदर। ओके, सो सेल ने G1 फेज कंप्लीट किया, S फेज कंप्लीट किया जिसमें DNA का कॉपी बन गया, G2 फेज आया, और अब मेरा सेल जो है माइटोसिस में जा रहा है। तो माइटोसिस का जो सबसे फर्स्ट फेज रहेगा वो रहेगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर सब फेजेस, जिसमें से जो फर्स्ट है इसको कहते हैं प्रोफेज, सेकेंड वाला रहेगा मेटाफेज, थर्ड वाला होगा एनाफेज, और जो फोर्थ वाला होगा वो होगा टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चारों आते हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर। और जब टेलोफेज कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब ये है कि भाई न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और अब जो है बचा हुआ सेल डिवाइड होगा। तो ये टेलोफेज आते आते आप देखोगे कि एक सेल के अंदर में दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अगर वो डिप्लॉइड सेल था तो डिप्लॉइड न्यूक्लियसेस बनेंगे, अगर हैप्लॉइड सेल था तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस बनेंगे। ओके, मैंने जैसे कि आपको पिछली बार भी बताया है, इससे पहले भी बताया है कि माइटोसिस ज़रूरी नहीं है कि किसी डिप्लॉइड सेल में ही होगा, बल्कि माइटोसिस का मतलब तो ये है भैया कि न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन होगा, हाफ हाफ मतलब इक्वल क्वांटिटी, जो डॉटर सेल्स आएंगे उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स जाएगी और वो क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल रहेंगे 100%, इक्वेजनल डिवीजन होगा। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ माइटोसिस। तो यहाँ पर आ जाइए, ये होगा टेलोफेज में, और जब साइटोकाइनेसिस आएगा तो ये सेल जो है ये पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा अपने न्यूक्लियस के साथ में, और आपको जब ये साइटोप्लाज्म जो है ये भी बाद में डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपको देगा साइटोकाइनेसिस के बाद में दो इंडिविजुअल सेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। सो ये तो एक समराइजेशन हो गया, ये जस्ट एक समरी हो गया कि भाई इसमें पूरा होता क्या है, और अब हम फेज वाइज स्टडी करेंगे कि पूरा माइटोसिस किस तरह से होता है। तो हम चलते हैं कैरियोकाइनेसिस के फर्स्ट फेज की तरफ, जिसको कहते हैं प्रोफेज। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रोफेज की तरफ, और अब मैं ये डायग्राम को जो है मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, बल्कि कहा जाए कि माइटोटिक सेल डिवीजन की, या सेल डिवीजन बाय माइटोसिस की। और मैंने कहा कि उसमें जो फर्स्ट फेज रहेगा वो होगा प्रोफेज। ओके, तो प्रोफेज में जाने से पहले सेल किस कंडीशन में रहता है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये मान लीजिए भैया एक सेल है, ओके, और ये उस सेल का न्यूक्लियस है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के साथ में क्या लगा होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस टू फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी न्यूक्लियर का जो आउटर मेम्ब्रेन रहेगा वो कंटिन्यू रहते हुए क्या बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, उसके बाद में गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी बॉडी और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो रहेंगे। प्लस एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बनानी है, वो होगा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। और बाकी सेल ऑर्गेनल्स अपनी जगह पे रहेंगे। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो रहेगा जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो होगा क्रोमैटिन के फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सेल है, सेल है, लेकिन बिफोर माइटोसिस, बिफोर माइटोसिस। मान लीजिए कि ये आपका एक एक डिप्लॉइड सेल है। हम अब एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम एक डिप्लॉइड सेल का माइटोसिस स्टडी करते हुए चलेंगे। तो ये एक डिप्लॉइड सेल है आपका, ये डिप्लॉइड सेल जो था ये जीवन फेज में गया, सारी प्रिपरेशंस हो गई। जीवन फेज में क्या होता है इससे पहले के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में ये एस फेज में गया, एस फेज में गया तो उसके जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बना। आपको याद है क्रोमोसोमल नंबर और सी वैल्यू के बारे में। तो जब मेरा सेल जीवन फेज में था तो उसका क्रोमोसोमल नंबर था 2n और उसका सी वैल्यू था 2c, ठीक है। जब ये एस फेज में गया यानी अब डीएनए का कॉपी बन गया, लेकिन वो कॉपी है, कोई नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बताया कि क्रोमोसोमल नंबर कुछ और नहीं होता बल्कि जेनेटिक जीन्स में इन्फॉर्मेशन कितना है, जीन्स में इन्फॉर्मेशन कितना है। तो भले ही आपके जीन्स का कॉपी बन जाए लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी ना, कोई नया जीन नया क्रोमोसोम तो नहीं बना। तो इसीलिए मैं क्रोमोसोमल नंबर आफ्टर रेप्लिकेशन क्रोमोसोमल नंबर मैं वही रखूँगा, 2n ही रखूँगा, क्योंकि कॉपी है, कोई नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सी वैल्यू जो रहेगी यानी वॉल्यूम कितना है, ठीक है, मास कितना है क्रोमोसोम का, तो मास तो डबल हो गया ना डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में, तो सी वैल्यू जो रहेगा वो डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4c। अब यही जो मेरा सेल है ये गया G2 फेज में, और G2 फेज में भी यही हालत रहेगी, क्रोमोसोमल नंबर रहेगा 2n और क्रोमोसोमल जो वैल्यू रहेगी, सी वैल्यू रहेगी, क्रोमोसोमल कंटेंट जो रहेगी वो हो जाएगी 4c, कंटेंट डबल हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन वही रहेगी। सो अब ये जो मेरा सेल है ये मान लीजिए कि जी फेज में है, जी टू फेज में है, ओके। अब ये फेज जो है भैया ये जा रहा है जी टू फेज से प्रोफेज के अंदर में, माइटोसिस के अंदर में, कैरियोकाइनेसिस के अंदर में, प्रोफेज में जा रहा है, ओके। यहाँ की कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं। प्रोफेज से पहले क्या क्या है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मतलब एज इट इज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। दूसरी चीज़, ऑर्गेनल्स जो हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी बॉडी, ये भी कैसे हैं, इंटैक्ट है, एज इट इज़ है, गायब नहीं हुए, सेल में है। तीसरी चीज़, ठीक है, डीएनए किस फॉर्म में है आपका, जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में है, तो हमने बोला कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, अभी देखा हमने लास्ट टाइम पे, वो है क्रोमैटिन। तो मेरा जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, डीएनए रहेगा, वो कौन से फॉर्म में है, क्रोमैटिन के फॉर्म में है। चौथी चीज़ जो आपको यहाँ पर बतानी है स्पेसिफिकली वो है सेंट्रियोल कितने रहेंगे, तो 2 सेंट्रियोल्स, क्योंकि जब एस फेज चल रहा था एस फेज में ही इस सेंट्रियोल का एक और कॉपी बनकर तैयार था, तो 2 सेंट्रियोल्स जो रहेंगे वो भी रेडी रहेंगे और इंटैक्ट रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, अभी तक सेपरेट नहीं हुए। सो ये कुछ बातें हैं जो हमको याद रखनी है बिफोर प्रोफेज, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सेल जो है ये प्रोफेज में चला गया, बट मैं प्रोफेज को 2 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करूँगा, मैं उसको बोलूँगा अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो प्रोफेज का जो अर्ली स्टेज रहेगा
मैं इसको कहता हूँ अर्ली प्रोफेज। ओके, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज, इसे मैं कहता हूँ अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होता है ये अब हम देखते हुए चलेंगे। ओके, सो जो अर्ली प्रोफेज रहता है इसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो जगह जगह से डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखोगे कि वो जगह जगह से थोड़ी थोड़ी गैप्स पे, मतलब वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट चेंज जो हम अर्ली प्रोफेज में देखते हैं वो होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक चीज़ें वेरी होती है का मतलब ये है कि इवन आपकी टेक्स्ट बुक में और बहुत सारी दूसरी जो बुक्स हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग, रेफ़र करते हैं, उसमें प्रोफेज को अर्ली और लेट प्रोफेज में डिवाइड नहीं किया हुआ है, उसमें डायरेक्ट प्रोफेज दिया हुआ है और ओवरऑल क्या चेंजेस होते हैं प्रोफेज में वो बताया हुआ है, ठीक है। बट देखो ये एक प्रोसेस है और कोई भी चीज़ सडनली नहीं हो जाती बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली होती है। तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस में क्या चेंजेस हैं वो हम देखते हुए चल रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको अर्ली और लेट प्रोफेज में बताया कि कुछ चेंजेस हैं जो स्टार्ट होंगे अर्ली प्रोफेज में और लेट प्रोफेज होते होते, प्रोफेज ख़त्म होते होते वो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, ठीक है। सो आप उन सब पॉइंट्स को प्रोफेज में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बताया कि भाई जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तो हमने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। अब डिसअपियर बोले तो मतलब ऐसा हुश करके एकदम गायब हो गई ऐसा नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है, ठीक है, घुलना स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के अंदर में, घुलना स्टार्ट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्टेड हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो मैंने बताया जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये भी क्या होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर, वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसे समझ लो कि मैं माइक्रोस्कोपिकली देख रहा हूँ एक सेल को कि जब माइटोसिस हो रहा है तो क्या होता है। मैंने देखा कि जैसे ही सेल प्रोफेज वन में गया, अर्ली प्रोफेज में गया, तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मुझे जो न्यूक्लियस बहुत क्लियरली दिख रहा था, अब मुझे वो माइक्रोस्कोप से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि स्टार्ट्स टू डिसअपियर, दिखाई नहीं देता है, मतलब अब वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये उसका एग्जैक्ट मतलब है। अब आप वरना सोचने में लग जाओगे कि डिसअपियर का मतलब सर कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, ठीक है, तो ये उसका एक रीज़न है। चलिए, ये हो गया एक चेंज जो मैंने आपको बताया कि प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। सेकंड मेजर चेंज इसके अंदर में क्या हो रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमैटिन जो रहेगा इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। तो मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ कन्वर्जन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन्स इनटू थिक एंड शॉर्ट क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स या फिर स्टार्ट। तो ये जो प्रोसेस है क्रोमैटिन के क्रोमोसोम में बनने का जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, वो प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, प्लस साइमल्टेनियसली एक और चीज़ होगी, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑल्सो स्टार्ट्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड बनने का जो प्रोसेस रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इनमें से कुछ कुछ क्रोमोसोम्स पे आप देखोगे कि वो जो है वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड बनने का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अर्ली प्रोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई नहीं देते, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, बट इन अर्ली प्रोफेज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, या क्लियरली की बजाय नॉट विजिबल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स ठीक से दिखाई नहीं देते या दिखाई नहीं देते, ठीक है, ये हो गया अर्ली प्रोफेज। एक और मेजर चेंज जो अर्ली प्रोफेज में होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। ये जो आपका सेंट्रियोल था, ठीक है, मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, ठीक, सेंट्रियोल जो रहेगा, सेंट्रियोल्स ये सेपरेट होते हैं, सेंट्रियोल्स फिर से सेपरेट की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, चेक कर लेना, सेंट्रियोल्स जो रहते हैं, सेंट्रियोल्स सेपरेट होते हैं एंड स्टार्ट्स टू मूव एट अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये सेंट्रियोल जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कॉपी तो ऑलरेडी एस फेज में बन चुकी थी, लेकिन अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, वो दोनों ही सेंट्रियोल जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के साथ साथ दोनों क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग पोल्स पे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों ही सेंट्रियोल्स जो रहेंगे ये अपोजिट पोल्स पर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब मूव होंगे तो आप यहाँ देखोगे कि उनके साथ में हमेशा लगे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइबर्स भी हम उसको बोल सकते हैं, और ये उसी ट्यूब्यूलिन से बने हुए हैं जिसके बारे में मैंने जी टू फेज में आपको बताया था। सो आई होप कि यहाँ तक पॉइंट्स जो है वो आपके लिए क्लियर है। ये सारे चेंजेस जो है ये हो रहे हैं अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। अब हम प्रोफेज को कंप्लीट करेंगे और हम बात करेंगे कि यही प्रोफेज जब धीरे से और आगे बढ़ेगा और लेट प्रोफेज की तरफ जाएगा, जब, या फिर अदर टर्म्स में मैं इसको बोल सकता हूँ कि जब प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और अब हम चल रहे हैं लेट प्रोफेज में, इसे हम कहते हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा, तो मैंने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई थी अर्लियर प्रोफेज में, वो जब कंटिन्यू हुआ तो थोड़ी देर बाद में वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स कम्प्लीटली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है, ठीक है। अब डिसअपियर होके कहाँ गया, तो कहीं हवा में नहीं गया, बल्कि उसकी जो कंटेंट्स थी वो डिसॉल्व होने के बाद में उसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और यही कंटेंट से दोबारा से न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सेल ऑर्गेनल्स दोबारा से बनना स्टार्ट होंगे जब सेल का डिवीजन होगा, आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ एक बात तो आप याद रखिए कि जो जो चीज़ें डिसॉल्व हो रही है, डिसअपियर हो रही है, ठीक है, बेसिकली ये ऐसे समझ के चलो कि वो टूट रही है,
ठीक है, अपने कंपोनेंट्स के अंदर में सेपरेट हो जा रही है, ठीक। जैसे एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार को अगर मैं फोड़ दूंगा, उसको मैं तोड़ दूंगा, तो वो क्या होगी, छोटी छोटी ब्रिक्स में, है ना, टूटी हुई ब्रिक्स में वो सेपरेट हो जाएगी। मैं अगर चाहूँ तो वो ब्रिक्स को यूज़ करके दोबारा से वो दीवार बना सकता हूँ। वही कंसेप्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स अगर डिसॉल्व हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं, अपने अपने कंपोनेंट्स में जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट डिसअपियर्स। दूसरी चीज़ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स जो रहेंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये भी क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक। अब अगर आपको, आप कभी इस तरह का क्वेश्चन फेस करते हो कि इन विच फेज ऑफ ऑफ माइटोसिस द सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर्स, ठीक है, सो वो रहेगा प्रोफेज। वहाँ आपको अर्ली और लेट प्रोफेज नहीं है, अगर आता है तो अच्छी बात है, लेट प्रोफेज रहेगा, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बुक्स में अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोफेज है, तो फिर उन्होंने क्या बताया है कि भाई प्रोफेज में अल्टीमेटली क्या चेंजेस हो रहे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जा रहा, फिर बिगिनिंग वाले चेंजेस की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है ना, फिर कंप्लीट क्या क्या हो गया वो बता दो। तो प्रोफेज जब कंप्लीट हुआ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो गए। यहाँ पे क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था आपका, कन्वर्जेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन इनटू शॉर्ट शॉर्ट क्रोमोसोम स्टार्ट हुआ था। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि क्रोमैटिन क्रोमैटिन आर कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू इनटू क्रोमोसोम्स, जो प्रोसेस वहाँ स्टार्ट हुआ था वो यहाँ कंप्लीट हो गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, इस तरह का भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक और पॉइंट याद रखिए कि ये जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम, इसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ठीक है। सो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, लेट प्रोफेज आते आते वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो क्रोमोसोम्स थे क्रोमैटिन जो था वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है, किसके अंदर में, क्रोमोसोम्स के अंदर में, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ चार बना रहा हूँ ताकि भाई आगे हमको गिनती करने में आसानी हो जाए। वैसे कितने बनेंगे, मैंने डिप्लॉइड सेल से स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा कि एक डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने तो चार बनाया, बट टोटल कितने रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे, ओके। तो ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो गया। ये दो पॉइंट्स तो ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपने बोला था कि जब क्रोमोसोम बन रहे हैं साथ ही साथ सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बन रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स याद होगा आपको, मैंने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे बनते हैं वो भी आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके मैंने बताने की कोशिश किया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो फिर से एक बार वो वीडियो देख लीजिए। ये बात इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक्चुअल में वो माइटोसिस स्टार्ट करने के पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक। सो आप यहाँ देखोगे तो और ज़्यादा बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग अब आपको आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ बोला कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बन जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कंप्लीटेड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कंप्लीटली फॉर्म्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स की हेरा फेरी है, वो भी आप लिख सकते हो। और अगर फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे बनते हैं, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ वो पार्ट जो है, प्रीवियस पार्ट जो है उसको देखिए, जहाँ हमने सिस्टर क्रोमैटिड्स को डिस्कस किया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हर क्रोमोसोम पे जो है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स रहेंगे, हर क्रोमोसोम पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स रहेंगे। सो क्रोमोसोम्स प्लस देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स वो यहाँ पर बन गए। अगर मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे मेरे को, और 46 क्या मिलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगे, ओके। सो यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक। और जो मैंने बोला था कि आपको कि अर्ली प्रोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल नहीं होते, लेट प्रोफेज में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल होते हैं,
ठीक है, लेट प्रोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो रहते हैं वो विजिबल होते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्या मेजर चेंज होता है यहाँ पे, ठीक, जो सेंट्रियोल्स सेपरेट हुए थे, दे रीच टू अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स तक पहुँच जाते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक। सो वो पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहेगा आपका फिफ्थ पॉइंट कि स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। एक बात याद रखिए कि ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये सेंट्रियोल है, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से जो निकल रहे हैं मैंने बोला उनको माइक्रोटिब्यूल्स या माइक्रोफाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं माइक्रोफाइबर्स के लिए एक और नाम है, इनको एस्टर या एस्टर रेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये पूरा असेंबली देखूंगा, मतलब सेंट्रियोल प्लस एस्टर रेज, अगर दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया एस्ट्रल बॉडी बन गया। और ऐसी कितनी एस्ट्रल बॉडीज यहाँ बनी है, तो एक ऊपर बनी, एक नीचे बनी, दो एस्ट्रल बॉडीज बनी, इसका मतलब ये एम्फी एस्ट्रल होता है, ठीक है। अगर ऐसी एक ही बनेगी, कुछ कुछ माइटोसिस होते हैं जिनमें एक ही बनती है दूसरी नहीं बनती, तो जो एक ही बनती है तो उसको एन एस्ट्रल माइटोसिस बोलोगे, और यहाँ पर इसको आप क्या बोलोगे, एम्फी एस्ट्रल। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये जो कंप्लीट असेंबली बना है इसको मैं स्पिंडल कहता हूँ। ये सारे चेंजेस जो हैं ये होते हैं भैया प्रोफेज के अंदर। फिर हम जाते हैं मेटाफेज के ऊपर में और देखते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आई होप कि यहाँ तक पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे।